नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें सिरसा जिला के रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव खारिया की हैं, जहां पे आपको बता दें कि बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने रानिया विधानसभा की 35 के लगभग गौशालाओं को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। ऐसे में यहां पे आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जैसे ही बिजली मंत्री रणजीत सिंह सौगात देने के लिए पहुंचे रानिया की खारिया की गौशाला में, तो यहाँ पे जो है वो गो भक्तों ने और तमाम ग्रामवासियों ने बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का जोरदार तरीके से जो है वो स्वागत किया। फूल मालाएं पहना करके जो है वो उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। और ऐसे में यहाँ तस्वीरें देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे लगातार बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि काफी अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पे जो है वो देख करके बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी जो है वो लगातार गदगद होते हुए दिखाई दिए कि लगातार लोग उनके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो खारिया के बाबा मुंगानाथ गौशाला के अंदर जो है वो 35 के लगभग गौशालाओं को जो है वो अनुदान राशि देने का काम बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा किया गया। तो इसमें अगर सबसे पहले हम आपको बताना चाहें तो श्री गौशाला चक्का में 4,78,500 रुपये का अनुदान देने का काम किया। श्री कृष्ण गौशाला पन्नीवाला मोटा को 3,71,250 रुपये, बाबा भूमन शाह गौशाला मंगाला को जो है वो 1,80,000 रुपये जो है वो अनुदान राशि देने का काम किया गया। श्री भुन्ना गौशाला धाम समिति भुन्ना में जो है वो 1,91,250 रुपये, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला एवं नंदीशाला खुइया नेपालपुर को 76,500 रुपये, श्री कृष्ण गौशाला घोड़ावाली को 1,97,250 रुपये, श्री कृष्ण चंद्र गौशाला बनी को जो है वो 10,91,250 रुपये, नामदारी गौशाला टिब्बा फार्म संतनगर को 2,35,500 रुपये, श्री कृष्ण गौशाला बाइया को 2,97,750 रुपये, सतगुरु जगजीत सिंह गौशाला जीवन नगर को 67,500 रुपये, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला एवं नंदीशाला पंजुआना को 2,45,000 रुपये, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला एवं नंदीशाला बालासर को 4,48,500 रुपये, श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति सौवाला को 1,72,500 रुपये, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला एवं नंदीशाला वन सुधार को 2,02,500 रुपये, श्री श्याम गौशाला फतेहपुरिया को 71,250 रुपये, श्री दुर्गा गौशाला मम्मड़खेड़ा को 1,95,000 रुपये, श्री अमरनाथ गौशाला धोतड़ को 3,06,750 रुपये, श्री कृष्ण गौशाला शेखुपुरिया को 1,29,750 रुपये, चौधरी देवीलाल गौशाला खाजाखेड़ा को 7,02,750 रुपये, श्री कृष्ण गौशाला खाजा खेड़ा को 1,01,250 रुपये, इसके अलावा श्री कृष्ण गौशाला ढुडिया वाली को 2,60,250 रुपये, बाबा मुंगानाथ गौशाला खारिया को 6,63,000 रुपये, श्री कृष्ण आदर्श गौशाला बचेर को 2,07,000 रुपये, श्री राधे कृष्णा गौशाला कुसर को 2,43,000 रुपये, बाबा सोमनाथ गौशाला जोधपुरिया को 2,93,250 रुपये, श्री कृष्ण परनामी गौशाला बंबूर को 1,84,500 रुपये, श्री राधा कृष्ण गौशाला ओटू को 1,98,000 रुपये और श्री गौशाला सेवा समिति केरवाला को 5,50,500 रुपये के अनुदान राशि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा वितरित की गई। इन तमाम गौशालाओं के अंदर जो है वो बिजली मंत्री के द्वारा जो है वो एक जगह पे खारिया के बाबा मुंगानाथ गौशाला में पैसा जो है वो वितरित किया गया, चेक उनको वितरित किए गए। इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों में बिजली मंत्री के द्वारा श्री गौशाला रानिया में 4,87,500 रुपये, गोपाल नंदीशाला रानिया में 2,53,700 रुपये, गिंदड़ में 2,53,750 रुपये, सादेवाला की गौशाला में 2,91,750 रुपये, नथौर की गौशाला में 2,43,750 रुपये और खाई शेरगढ़ की गौशाला में 1,92,750 रुपये जो है वो बिजली मंत्री के द्वारा वितरित किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कुल मिलाकर के रानिया विधानसभा की 35 के लगभग गौशालाओं के अंदर 1,02,00,000 रुपयों के लगभग जो है वो बिजली मंत्री के द्वारा जो है वो गौशालाओं को
अनुदान राशि जो है वो वितरित की गई है। ये राशि अगर बात करें तो हरियाणा सरकार की ओर से जारी किया गया पैसा जो है वो गौशालाओं को वितरित जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और इसके साथ ही बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का कहना है कि ये पैसा तो है ही है, इसके अलावा जो है वो मार्च अप्रैल के महीने में उनके खुद के जो निधि के द्वारा जो है वो मंत्री का जो बजट आता है उसके अंदर से जो है वो गौशालाओं को और पैसा जो है वो वितरित किया जाएगा ताकि गोवंश किसी भी तरह से किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ऐसे में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का क्या कुछ कहना है सुनिए जरा। आज सीएम साहब ने एक पूरे प्रदेश का देख के कि पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, गौशालाएं लोगों ने बना दी, वो ठीक तरीके से प्रबंध नहीं हो रहा, और इस करके उन्होंने समझा कि कोई बढ़िया तरीके से करें जिससे किसानों को गोधन को पशुओं को फायदा हो जाए। तो उन्होंने कोई 400 करोड़ रुपया एक स्कीम में सरकार का निकाल के गौशालाओं के लिए निकाला और हर जिले वाइज पशुओं को गिन के कि कितने पशुओं उसी हिसाब से पैसा दिया जाए। बड़ी गौशाला उसको ज़्यादा मिल गया, छोटी गौशाला उसको कम मिला, मतलब वो जितना गोवंश है उसके हिसाब से पैसा दिया गया है। तो अलग अलग गांव के आए, कुछ गांव में तो मैं पिछले 2 दिन में था, जहाँ गया वहाँ तो दे दिया, अगर जान नहीं जा सका 30 गौशाला 30 गांव नहीं जा सकूँ तो फिर वो पैसा बिना बात ही 10 दिन पड़ा रहे तो फायदा नहीं, जितना पशुओं को मिल जाए जल्दी मिले ठीक रहे। इस करके मैंने कहा भी एक जगह इकट्ठे होकर खालिया में सबको पैसा दे दें, सर्दी में ज़्यादा देर रोकने का फायदा नहीं, मेन ये है कि कितना पैसा मिला, किस गाँव को मिला, किस गौशाला को मिला वो दे दो, ये दे रहा हूँ। एक इसके साथ और बता दो, मार्च से मार्च मुझे पैसा मिलता है जो मंत्री का H कोटा होता है, आवाज़ ठीक आ रही है ना जी, H कोटा होता है वो मुझे अप्रैल में आ जाएगा जी। तो मैं ये भी थोड़ा भरोसा देता हूँ कि अप्रैल के बाद सारी गौशालाओं में मैं मेरे पास से फिर दूंगा, पहले भी देता रहा हूँ फिर दूंगा।